तो अभी उठे फिर ये किससे नाराज हुआ बैठा है? हो सकता है सुबह सुबह ना आमना जी ने कुछ कह दिया उन्हें। ए मामा। ए मामा क्या होता है? अच्छा यार सिर्फ मामा, क्या हुआ है तुम्हें? देख नहीं रही, तेरा मामा और इसका आशिक नाराज हुआ बैठा है। हाँ तो भाई इसीलिए तो पूछ रहे, बताओ ना क्या हुआ है। और छोड़, आज जरूरी थोड़ी कि हर बात मैं ही बताऊं, खुद भी कभी पता कर लिया करो। आमना ने कुछ कहा है? और बहुत बेचारी अभी उठे भी नहीं है। हाँ तो मामा हम भी तो अभी उठे हैं, फिर क्या हुआ, क्यों नाराज बैठा है? और मैं सवेर से उठा रहा हूँ है, और किसी ने मेरे से नाश्ते का पूछा भी नहीं है, भूखा फिर रहा हूँ और किसी को मेरी फिक्र नहीं है। जानी जी ऐसे आशिकी नहीं होती। अरे आशिक क्या हमें ख्वाब आएगा कि तुम भूखे घूम रहे हो? आप मैं भी तो नहीं आने देती फिर आप। अल्लाह तेरे शुक्र है ये ख्वाब में नहीं आता, वरना मैं चैन की नींद कैसे सोती। हो गई जिल्लत मामा, अब चल जल्दी से जाके ना नाश्ता लेकर आ। अब आज ना तेरा मामा कहीं नहीं जाएगा और इधर ही रहेगा, इधर ही नाश्ता करेगा अभी। हाँ घर में ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ अंडे डबल रोटी लेकर आओ, वो भी अपने पैसे से। और जानी जी और आपके आशिक के पास ना आपके लिए प्यार तो बहुत है, पैसे नहीं है। भाई मम्मी ने हमें नहीं पता, कहीं से भी जाकर लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ नाश्ता, और हाँ अंडे पराठे लेकर आना। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके फिर कोशिश करता हूँ कि कोई अगर उधार दे दे तो फिर। हाँ अच्छा याद से ना जरा पराठे ना देसी घी वाले होने चाहिए। पराठे देसी क्यों, पराठे जैसा। ओए आशिक ओ पहले ना हिसाब कर ले के उधार कितना चढ़ गया तेरे पे। ये देखिए थे ना 40 रुपए की डबल रोटी थी, तूने आधी ली तो मतलब 20 रुपए का उधार हो गया है, और अंडा एक था 10 रुपए का, तूने 3 अंडे लिए और उसको चूज बोला कि चूजा वापस करेगा, तो मतलब अंडे हो गए फ्री और सिर्फ 20 रुपए का उधार, मतलब 20 रुपए का नाश्ता। और सारे तुझे ना खाम का बेवकूफ़ कहते हैं, और तेरे जैसा जिस कोई नहीं है, है ना। चलो ओए ये क्या है, ओए कितना खूबसूरत खिलौना है, नहीं वो जैसे फिल्मों में होता है ना हीरा वैसा है। और लेके चलता हूँ, हैं जाके जानी को कहूँगा जानी आशिक तुम्हारे लिए हीरा लाया, मान गई तो ठीक वरना हीर को दे दूंगा खेलने के लिए। हाँ ये सही है, चलो भाई। ओ जी आशिक और माफ करो, खुले पैसे नहीं है। ओए बात सुनो मेरी, ये तुम नाश्ता लेने गए थे? हाँ जी नाश्ता लेने गया था। तो फिर देर क्यों लगा दी इतनी? और इतनी आसानी से उधार कोई थोड़ी देता है, और कितनी टोपियां करानी पड़ती हैं, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितनी गोलियां करानी पड़ती हैं, फिर जाके कोई उधार देता है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा आशिक, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे भी कितने झूठ बोलने पड़ते हैं ना किराया देने के लिए, है ना। जबरदस्त जवाब, लेकिन देखें आप तो मैं नाश्ता ले आया हूँ ना, अब जाए और बना ले। हैं मैं बनाऊंगी नाश्ता, हीर बनाएगी। अच्छा नाश्ता लेके मामा आए और बनाए जो है वो पांजी, आप और जैनी दुनिया में करने क्या आए हैं? ऐश करने, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और मेरी बात सुन लो कान खोल के, अगर तुमने मुझसे ज्यादा बकवास की ना तो मैं किराया मांग लूंगी किराया। हीर बनाएगी ना नाश्ता? कैसे नहीं बनाएगी, मैं उसका मुंह नहीं तोड़ दूंगा। और अगर वो नहीं बनाएगी तो मैं बनाऊंगा आपके लिए। नहीं तुम ना रहने दो, तुम बेवकूफ और पागल अच्छा बना लेते हो, तुम वो ही बनाओ जो कि तुम मुझे ऑलरेडी बना चुके हो। नहीं 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 ये अल्लाह ने बनाया, आप तो हमारे पास तैयार आई हैं। अरे आज तो मैंने कोई सेल्फी डाली नहीं, मेरे फैंस इंतजार करेंगे। चल जेनी सेल्फी बना अच्छी सी। को एक मिनट अब ठीक है क्या है? जाओ यहाँ से मैं बिजी हूँ। मैं भी कोई फारिग नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम है। तो जाओ ना वो काम करो, यहाँ क्या कर रहे हो? और उन काम में सबसे अहम काम ये है जिसके लिए मैं आया हूँ, और मैं सुबह से आपको ढूंढूंगा कि किसी तरह अकेले मिलो मैं आके बात करूँ। हाँ बोलो। और जानी जी वो मैं याद है मैं सुबह नाश्ते के लिए गया था बाहर, वहाँ ना मुझे एक चीज मिली। क्या मिली? ये हीरा। हीरा ये तुम्हें रस्ते में से मिला? हाँ जी, और मैं आपके लिए उठा के ले आया। मगर हीरा रस्ते में कैसे मिल सकता है? किसी को गिर गया होगा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी तरफ से ना ये आपके लिए गिफ्ट प्यार का।
वैसे आशिक पहले ना मैं तुम्हें बेवकूफ समझती थी। अच्छा और अब? अब मुझे यकीन हो गया है। ओए आप अपने आशिक को बेवकूफ कह रही हैं? जी और तुम मेरे आशिक नहीं हो, तुम सिर्फ आशिक हो। और पकड़ो अपना नकली हीरा, निकल यहाँ से। ओए आपने एक दफा फिर मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया, उठा ये अपना टूटा हुआ दिल और निकले यहाँ से बाहर। रानी जी मैं बड़े प्यार से लाया था ये हीरा। ओ, प्यार से नहीं लाए थे, रास्ते में से उठा के लाए थे, बच्चों के खेलने की चीज है ये। बस आज जो आपने कह दिया ना जानी जी, मैं आज आपको अपने दिल से निकाल दूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब चलो तुम भी निकलो यहाँ से बाहर। लेकिन सवेरे वापस दिल में बिठा दूंगा, मैं बड़ा चीट हूँ, मैं ऐसे मारने वाला हूँ ही नहीं। जाए जा आशिक, अब तू बेकार ही है यार। तू ना बस गांव में ही फंडे खान बनता था, और शहर में तेरे से कुछ नहीं होना। हाँ बड़ा बड़ा फिरता है तू आशिक। लेकिन एक बात है यार, और क्या चैनी वाकई मेरे से नफरत करती है? और क्या मैं रोजाना अपनी मोहब्बत को मरते देखता रहूँगा? और क्या रोजाना मैं अपनी मोहब्बत का जनाजा देखता रहूँगा? और क्या रोजाना मैं अपनी मोहब्बत का जनाजा उठाता रहूंगा? और जा जा हीरा। और या अल्लाह, अब मैं दुआ करता हूँ कि अब मैं सोऊं ना और जब वल उठूं तो मेरे दिल से ना जानी की मोहब्बत खत्म ही कर दे। तुम कहाँ ना? श्री देवी हूँ। अच्छा तुम्हें जैनी की जगह पे यहाँ भेजा गया है। कौन जैनी? जैनी जिससे मैं प्यार करता हूँ। करते हो नहीं, करते थे, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुम असली हो? हाँ अब मैं ही तुम्हारी जिंदगी हूँ और तुम मेरे अलावा कुछ नहीं देखोगे। तुम हो कौन श्री देवी? मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। जाने यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे लगता है ये आशिक का बच्चा ना हमें एक बार फिर से पागल बना रहा है। मामा मामा कहाँ है वो? बोला इधर ही थी कसम से। ऐसा करो उसको ना बिस्तर के नीचे चेक करो, शायद वहाँ हो। क्यों, क्या वो कोई चप्पल है जो बिस्तर के नीचे पड़ी होगी? है नहीं, कह रही थी ना वो यहाँ बैठी हुई थी, कह रही थी मैं नागन हूँ, शायद नीचे चली गई हो। देखो आशिक हमें डराने की कोशिश नहीं करो, ये जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना हमारे साथ, हमें बिल्कुल पता है। चलो ही राम ना। हाँ और मामा तुम ना वहम हो गए, तुम्हारे साथ तुमने कोई ख्वाब देखा। चलो अच्छा फिर ख्वाब ही होगा, इसमें डरने वाली तो वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात है आशिक यार, वो जो भी थी ना चमुनी चमुनी थी, ऐसे छोटी छोटी सी थी, सोनी वैसे। सच मैं सच में सोनी लगी? तू इधर किधर से आ गई? तो यही थी आशिक, आपकी नजर ओझल होने की शक्ति है मुझ में, मैं तो इच्छाधारी नागिन हूँ ना। इच्छाधारी वो क्या होता है मेरे बहन? बहन तुम सुहागो मेरा आशिक, मेरे मरे हुए नाग जो दूसरा जन्म लेके
ये रूप लेकर आया है। तुझे ना गलत फहमी हुई, मैं नाग नहीं हूँ, मैं तो आशिक हूँ। आशिक शायद, मगर तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे नाग से मिलती है, और अब तुम ही मेरे नाग हो, मेरे पति देव। अब मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्यों आई है यहाँ? मैं तो यहाँ अपनी नागमणि लेने आई थी, जो तुम अपने साथ ले आए हो, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें करीब से देखा तो तुम्हें पहचान लिया कि तुम ही मेरे नाग हो, तुम ही मेरे राम हो, मेरे अर्जुन। मैं कोई अर्जुन कोई राम तेरा कुछ नहीं लगता, ये कौन है मैं इनको जानता नहीं हूँ। तू देख यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा, वरना खबरदार मेरे क्रोध का आवाज मत दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कभी तुम मेरे पति थे। जलाकर भस्म कर दूंगी तुम्हें मैं। देख वो क्रोध कौन है उसको मैं जानता, जो जो तेरे साथ आए ना, जो सारे बंदे हैं उन सबको तू एक साथ बुला ले, हैं? वरना ना मसला हो जाएगा, मैं अभी आता हूँ। नागिन से बच के जाएगा कहाँ? चुपचाप चले आओ पति देव, मैं जानती हूँ तुम यही हो। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? आ जा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चल जा, वरना मैं शोर मचा दूंगा। मचा दो? तुम जानते हो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी, और जब सब चले जाएंगे मैं फिर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। चुप करो, माता जी पिताजी जिसको भी पुकारो कोई फायदा नहीं है, इधर आ जाओ मेरे पास। मैं कोई बेवकूफ हूँ है? मैं आ जाओ और तू मजाक में काट ले। अब मैंने तो सुना है कि कुत्ता काटे तो 14 के निशान लगते हैं, और तेरे पतले कितने लगेंगे? मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ पतिदेव, मेरा काटा किसी इंजेक्शन के काबिल भी नहीं छोड़ता। इधर आओ। आ गया। जी बोलो। नागमणि कहाँ है मेरी? दो। ओ, कौन सी नागमणि, वो क्या होती है? शक्ति है वो मेरी, मेरे नाग की 1000 साल की तपस्या का फल है वो, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा उसको अपने पास रखती थी, पर अब तुम्हारे पास है वो, दो मुझे। देखो मैं आपको रक्षा भी करा दूंगा, और फल की दुकान से जो कहोगी ना वो फल लेके दूंगा, लेकिन आप जिसकी बात करी हो वो कहाँ से मिलती है मुझे नहीं पता। वो किसी दुकान से नहीं मिलती, कहा ना 1000 साल की तपस्या का फल है वो जिसके पास होती है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष कहलाता है। लेकिन आपको किस उल्लू के पत्थर ने कह दिया कि वो मेरे पास है? और यकीन करो, और मेरे पास तो दो सीधे शलवार कमीज नहीं है, शलवार अलग कलर की है, पैंट अलग कलर की है, और कमीज अलग कलर की है। उस दिन वो मुझसे गिर गया था और तुम्हें मिला था वो रास्ते से। रास्ते से दो मेरा मनी मुझे। रास्ते से वो दिखने में कैसा था? एकदम चमकदार, हीरे जैसा। अच्छा वो जो हीरे कितना था, मैंने अपनी जानी को दिया था, उसने कहा था कि ये हीरा नहीं है खिलौना है वही। हाँ वही। दो तुम्हारे पास है? और उसकी वजह से मेरी जानी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, और वो तो कह रही खिलौना है ही कुछ नहीं। पागल है वो जानी, और वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे हो। मैं ऐसा करता हूँ वो ढूंढता हूँ, वो कहीं गुम हो गया था। क्या गुम हो गई? फेंकता हूँ ढूंढता हूँ ना, आके तो हल्की थोड़ी बंद कर, क्या जाता है तेरा, चल मैं ढूंढ के देता हूँ। चलिए पति देव, एक कुर्सी के फासले पर आ, चल आ जा आ जा आ जा, और कोई बीन ला दो, इसको कैसे संभालना है। दूरबीन लगा के देखूं? गुस्सा मत करो, वरना मेरा क्रोध बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। तेरे क्रोध की तो मैं पता नहीं कहां से लफ्ज लेकर आती, इतनी मुश्किल बात करती है। एक मिनट अब मिल गया। मुझे दे दो। एक मिनट, पहले मुझे ये बता कि इसका फायदा क्या होता है जो तू पागल हुई पड़ी है इसके साथ। हाँ अच्छा बैठो मैं बताती हूँ। हाँ पहले बता। देखो ये मणि जिसके पास जाता है ना वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो जाता है, और वो कोई भी रूप धार सकता है, जैसे मैं नागिन हूँ और तुम्हारे सामने इंसान का रूप धार कर बैठी हुई हूँ।
अच्छा तो तुम भी कोई भी रूप धार सकते हो, कोई भी जिसके पास भी ये बनी से हो सकती है। लाओ मुझे दे दो। अच्छा अच्छा दे दो। ठीक है ठीक है। हां आप आंखें बंद करो। ये लो बंद करो। ये लो। अच्छा ना मुझे ना नजर नहीं आ रही है। मामा ने ना पता नहीं अजीब सा कोई ख्वाब देखा है। हाँ वैसे वो ना मुझे भी डरा डरा सा लग रहा था। हाँ और अभी तक ऊपर भी नहीं आया है। अब ये बताओ तुम क्या चाहती हो? मैंने ये चाहती हूँ आप चल के मेरे साथ उनकी खैरियत पूछ लें। अच्छा मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। वो ना मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मैं इसलिए आपके पास आई थी। वाह जी वाह, बहादुर मामा की बहादुर भांजी। आप ना आप रिकॉर्ड ना बाद में लगा लेना, अभी चलो मेरे साथ। वैसे ही तुम सही कह रही हो, अब ना मुझे भी टेंशन हो रही तुम्हारे बावले मामा की। चलो चल के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और तूने कहा था मनी तुझे मिल जाएगी तो तू चली जाएगी, तूने मुझे बांध के बिठा दिया है। हाँ मनी तो मुझे मेरी मिल गई, पर मैंने सोचा कि पहले तुम्हें सारी असलियत बता दूं फिर चली जाऊंगी, वरना तुम सारी जिंदगी टेंशन में रहते कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हाँ, मेरे पहचान ना कर, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू जा मुझे कुछ ना बता। अरे सुन लो आशिक, वैसे भी ये कोई मनी नहीं है, ये हीरा है। हाँ क्या हीरा है? मतलब तूने मुझसे झूठ बोला, झूठी नागिन। अरे मैं कोई नागिन वागिन नहीं, अगर मैं तुम्हें सब सच बता देती तो क्या तुम मुझे हीरा वापस करते? मैं मर जाता ना कहता, दो कान के नीचे लगाता तेरे। बस इसलिए मैंने सारा ड्रामा किया ताकि तुमसे अपना हीरा निकलवा सकूं। तो फिर ये असल में हीरा है किसका? ये तुम्हारे चार घर छोड़ के सेठ जाहिद का हीरा है, मैंने कल वहाँ से चुराया था और जब मैं वहाँ से भागने लगी तो उनके चौकीदारों ने मुझे देख लिया और मुझे पीछे भागे। अच्छा मतलब तू चोर नहीं है, डकैत है? मैं चोर हूँ, और जब मैं भाग रही थी तो हीरा मेरे बैग से गिर गया और जब मैंने पलट कर देखा। ओए ये क्या है? ओए कितना खूबसूरत खिलौना है, नहीं वो जैसे फिल्मों में होता है ना हीरा वैसा है, और लेके चलता हूँ। हैं जाके जानी को कहूंगा जानी आशिक तुम्हारे लिए हीरा लाया, मान गई तो ठीक वरना हीर को दे दूंगा खेलने के लिए। हाँ ये सही है, चलो भाई। तो बस फिर मैंने सारा प्लान बनाया, क्योंकि मैं तुम्हें दूर से देखकर ही समझ गई थी तुम में अकल की काफी कमी है, और देखो मेरा प्लान कामयाब हो गया। और ना तो ये सारी बातें मुझे बांध के बताना जरूरी थी क्या? तुम्हें खोल के बता दी तुम मुझे यहाँ से जाने देते? जाने देता मैं तेरी छोटी सी गिच्ची उतार के तेरे हाथ में रख देता। बस इसलिए मैं सारा ड्रामा किया ताकि तुम अपना हीरा निकलवा सकूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। और हाँ मेरा नाम देवी नहीं सोनी है। ओ सोनी हो या सोनी बैकली हो, और दुनिया में तू पहली लड़की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैली जी मैं आपको कह रही थी ना कि मैं मामा की वजह से कितनी परेशान हूँ, देखो जरा। हाँ ही तुम ठीक कह रही थी, मुझे भी दो तीन बार ख्याल है मगर मैंने ऐसी झटक दिया इसको। और ना झटको मेरा बाजू खोलो। मगर ये हुआ कैसे? वो जो मैंने आपको कहा था ना कि वो इसी कमरे में है, वो इसी कमरे में थी। है मामा तुम्हारे कमरे में वाकई नागिन थी? वो नागिन थी, वो चोर थी, डकैतड़ थी, और वो हीरा लेकर चली गई। कौन सा हीरा? जानी जी वो हीरा जो मैं आपको लाके दिया था ना, वो असली हीरा था जिसको आपने कहा था ये खिलौना है। है मामा तूने वो हीरा अपनी हीर को नहीं दिया? बस पुत्र इश्क में आशिक अंधा हो गया था, चुंदा हो गया था। आशिक वो सच वाला हीरा था? हाँ तो फिर पकड़ो उस नागिन को यार, वो हीरा मुझे चाहिए, मुझे वो हीरा चाहिए। अब कहाँ से पकड़ूँ, आप तो सदर तक पहुँच गई होगी। मुझे हीरा चाहिए, मुझे भी, मुझे हीरा चाहिए। अबे तेरा मुंह तोड़ दूंगा, हीरा चाहिए।